अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय चैनल द क्रेजी लफ्टर। तो आज मेरे लिए तो खुशी का दिन है। पूछो क्यों क्यों क्यों? मैं नहीं बताऊंगा। आज किसी ने मेरे को कुछ गिफ्ट भेजा है, लेकिन मैं नहीं बताऊंगा किसने भेजा है। मगर क्यों? वो जो गिफ्ट आया है ना, वो दो दिन पहले आने के बाद था, लेकिन आज आया दो दिन बाद। इसमें मेरा कोई गलती नहीं, डिलीवरी बॉय की गलती थी। जब उसने मुझे बोला था कि कुछ भेज रहा हूँ तोहफा में, कबूल कर, तो मैं सोच रहा था क्या आएगा। मैं तो दो दिन से सोया भी नहीं भाई ठीक से। तू चाहे तो मेरा दोस्त मकसद को पूछ सकता है, लेकिन जब फाइनली आया है तो ये तो खुल के देखना पड़ेगा। जब मेरे को पता चला कि गिफ्ट आने वाली है, तो जानते हो क्या मेरा दिल क्या बोल रहा था उस टाइम, क्या गा रहा था? ये वाला गाना, आके मुन्ने जाने तू क्या छुन्ने। मुझे बता दे भाई, मेरे को लिरिक्स विरिक्स याद नहीं रहता। बस हवा निकल गई। तो फाइनली मेरे को मेरा गिफ्ट रिसीव हो गया। तो चलिए आपको दिखाते हैं वो गिफ्ट में क्या आया। अच्छा सा कुछ आया तो तब तक आप गेज करो क्या आया है। तो फाइनली ये है बॉक्स जो गिफ्ट में आया है तोहफा। आप सोच रहे हो कि इसका जो आउटर कवर का है, तो मैंने खोल लिया क्योंकि वो डिलीवरी के टाइम चेक करके लेना पड़ता है। फिर भी मैंने इसे पैक किया, क्यों पता है? क्योंकि इस पर चुतिया बनाना है मेरे को। तो चलिए इसका अंदर से क्या निकाल देते हैं। ये बॉक्स निकलता है। Two hours later. तो चलिए फाइनली बॉक्स से निकलते हैं। इसमें क्या है? जो गाड़ी मॉन्स्टर वाला। ये तो चलिए खुलते हैं इसका। सबसे पहले एक रिमोट मिलता है। ये वाला, ये सब बेकार का चीज है, फेंक दो भाई। मस्त लग रही है ये वाला। इसका जो सस्पेंशन है अच्छा लग रहा है, मस्त सस्पेंशन है। तो इस कार का साथ साथ मेरे को मिला एक चार्जर USB, इसको मोबाइल की चार्जर से काम करना पड़ेगा, ये तो लैपटॉप से। और मेरे को मिला ये वाला रिमोट, इसमें बैटरी नहीं था, मुझे को लगाना पड़ेगा बैटरी। दो बैटरी की जगह है, दो सेल। आप चाहो तो मैं इसे चला कर भी दिखा सकता हूँ, इतना पावर है मेरे पास। तो मैंने फाइनली मकसूद से मंगा लिया है दो सेल, जो लगेगा मेरा रिमोट में, मेरा नहीं RC का। चलिए इसे डाल देता हूँ, थोड़ा धीरे डालना भाई। हाँ, इसमें ब्लिंक हो रहा है। तो रिमोट इसे तो लेफ्ट राइट होता है, इसे आगे पीछे चलता है, ऐसा करे तो आगे, ऐसे करे तो पीछे। अंगूठा इसमें फंसाना पड़ता है। और ये जो चीज़ है ना, इसमें पानी कंटेन करता है, जो फ्लैश करता है, जैसे मतलब दुआ का जैसे दिखने में लगता है, दुआ जैसे, दुआ। तो इस गाड़ी का बेसिकली मेरे को जो पसंद आया है ना, वो ये सस्पेंशन बढ़िया था। चलिए इसे अब देखते हैं
धोखे से क्या करता है या नहीं। इसका साथ मिला मेरे को ये वाला जिसे इधर पानी भरना पड़ता है, तो मैंने तरफ भर लिया पानी, ऐसे चल जाएगा, इससे पानी भरना पड़ता है इधर। ये देखिए इसका एक फंक्शन जो मुझे थोड़ा यूनिक सा लगा, चाय अच्छा है, बढ़िया देखा ना दुआ। आप चाहो तो मैं इसे चला कर भी दिखा सकता हूं, इतना पावर है मेरे पास। तो एक फायदा है भाई, मेरा दो रूम है इधर, एक रूम से दूसरे रूम में नोटिस भेजेंगे FIR वाला नोटिस कि तू कुछ खाएगा नहीं खाएगा, आ जा चले जा, ये सब। तो आप भी उसको चला के दिखाऊंगा आपको कैसे चलाते हैं हम, इससे आप वो जो क्रिश त्रिवाला सीन बनाएंगे। ड्रिफ्ट मारा, एक्सीडेंट करा। सॉरी गाइस, मेरे पास ऑफ रोडिंग वाला रोड नहीं है, लेकिन मेरे पास टेक्निक है, मैं कुछ कर सकता हूँ तुम लोगों के लिए। नया है अपनी बेल्ट से ये वाला ऑफ रोडिंग, तो देखते हैं इसमें, मैं ट्राई करूँगा उसमें। वो कंपनी ने बताया तो वो 45 डिग्री तक ऊपर चल सकता है, मतलब चढ़ सकता है, जो भी हो भाई। वाह, हो गया, लेकिन फाइनली एक्सीडेंट हो गया बाबू भैया। मैं सोच रहा हूँ इसमें कैमरा फिटिंग करके वाला रूम पे भेज दूंगा, देखूंगा वाला भाई क्या कर रहा है। ये फिट करने के लिए मैंने लाया है दो पेन, इसके अंदर लगाना पड़ेगा, तो हाँ ये फंसा दिया। अब ये वाला भी इधर फंसा देते हैं, दोनों फंस गया, आप इधर मोबाइल फंसाएंगे। तो रेडी है मेरा गाड़ी, आप दिखाएंगे मैं कुछ नहीं, कुछ नहीं बेचते वाला रूम पे। मेरे पास जगह नहीं है गाइस, इसलिए मैं रूम में ही बना दिया ऑफ रोडिंग वाला रूट। तो चलिए देखते हैं इसे ऑफ रोडिंग वाला रूट में कैसे काम करता है। गिरा दिया, गिरे फाइनली वर्ल थैंक टू दैट पर्सन जिसने मेरे को ये गिफ्ट दिया है, शुक्रिया। और ये वाला आरसी मुझे बहुत पसंद भी था, कोई बात नहीं, मेरे को तो खरीदना पड़ता था, लेकिन नहीं खरीदा, किसी ने मेरे को गिफ्ट दे दिया, थैंक यू। और आप लोगों को चाहिए भी तो मैं इसका रिव्यू भी दे सकता हूँ, इसका रिव्यू
मैं 2-3 दिन चला के देखूंगा ये। तो फाइनली गाइज, सॉरी सॉरी, ये तो चुतिया भैया का डायलॉग। और एक आखिरी बात, आप सब लोग जानते हो ना कि इलेक्शन आने वाला है, अभी शायद स्टार्ट भी हो गया है असम में। तो सबको यही कहना है कि आप अपना वोट किसी ईमानदार आदमी को देना, किसी ऐसे आदमी को देना जिससे आपको कुछ मिलेगा, ऐसे आदमी को मत देना जिससे कुछ नहीं मिलेगा, और 500-500 में मत बिक जाओ। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और इसका रिव्यू भी मैं नेक्स्ट वीडियो में डाल दूंगा।